प्यारे दोस्तों, मेरा आज की इस वीडियो का टॉपिक है इमिग्रेशन के अलावा। आज जो टॉपिक है वो है घरेलू मामला। देखें, पिछले दिनों में ये सुनने में आया कि जब भी पाकिस्तान में कोई नई शादी होगी वहाँ पे टैक्सेस होंगे, 20,000 लड़की वाले देंगे, 20,000 लड़के वाले देंगे। जो बातें सुनने में आई, इसका अभी कॉन्फर्मेशन आप सबने खुद ही करनी। तो इस लिहाज से मेरा, देखें, आज के जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, मैं उनकी तारीफ़ करते हुए एक बात जो कि अपना आइडिया जो देना चाहता हूँ। देखें, अगर सारी बातें जो है वो पार्लियामेंट में लोग बैठ के सोचेंगे, या जब तक हम उन्हें अपनी बात या अपनी डिमांड या अपना कोई ऐसा आइडिया उन तक नहीं पहुँचाएंगे, हमारा काम है कोशिश करना, उसमें कामयाबी अल्लाह पाक देता है, उसका अप्रूवल हमारी गवर्नमेंट करे या ना करे, ये तो खैर हमारी खुशनसीबी है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा खान साहब से ये एक उनसे मैं एक अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें, बराए मेहरबानी पाकिस्तान में एक ऐसा कानून बनना चाहिए, अगर हमने चेंज ही लाना है ना, तो चेंज का मतलब है चेंज, टोटली चेंज। यानी ये जो हमारे शादी ब्याहों के जो मसले हैं, जो शादी होने के फौरन बाद ही एक आजकल ये तलाक ये वो आम हो रहा है, तो इसका इसके इसको थोड़ा रोकथाम करने के लिए बराए मेहरबानी अगर ऐसा नया कानून नाफिज किया जाए जिसमें लड़के वाले और लड़की वाले बजाए मोहल्ले से या रिश्तेदारों से कोई गवाह इकट्ठा करने के, अगर ऐसा हो जाए कि लड़के की बहन, लड़के की माँ, लड़के का बाप, लड़के का भाई एज ए विटनेस, जैसा कि गवाह के तौर पर उनके वहाँ पे साइन हो, नकान अमिल, लड़की की तरफ से लड़की की बहनें, लड़की की माँ, लड़की का बाप, लड़की का भाई, वो भी विटनेस दें, ठीक है, गवाही बजाय अपने रिश्तेदारों से मांगने के उनसे गवाही ली जाए, और उस गवाही का एक मकसद हो, वो मकसद यह है कि वो इस बात की गवाही दें, चूँकि नकारनामे में ये नई चीज़ ऐड की जाए, जिसमें वो गवाही दें कि हम इन दोनों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर हम, चूँकि काफ़ी जो मामलात सामने आ रहे हैं, बहुत सी हमारी बेटियां बहनें जो इस बात का शिकार हो रही हैं, और बहुत से हमारे भाई बेटे जो इस टॉर्चर का शिकार है, ससुराल की तरफ से लड़की वाले और ससुराल की तरफ से लड़के वाले भी वो इस बात का शिकार हैं। तो मैंने अपना एक नज़रिया था जो मैं शेयर करना चाहता था, वो ये है, अगर ऐसा हो जाए तो मुमकिन है तब्दीली आनी शुरू होगी, लेकिन उस कानून के बाद जब भी हर आदमी, ये कोई बहन है भाई है लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से कोई बहन है भाई है, लेकिन वो इस बात की भी गवाही देंगे, अगर वो कुंवारे हैं तो जब उनकी शादी होगी तब उनकी, अगर जॉइंट फैमिली है तो उनकी उनकी बीवी भी उस बात में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, इसी तरह ही लड़के वालों के साथ और लड़के वालों के साथ वो उनका भी यही होना चाहिए। एक और बात, अगर कोई आदमी इस बात की का वायलेंस करे, इस कानून का वायलेंस करे, इस कोई इसको इस कानून को तोड़े, तो उसकी सज़ा होनी चाहिए 1 महीना, ज़्यादा नहीं, 1 महीना, और ज़मानत के बगैर, कोई ज़मानत नहीं, कोई तलक नहीं, कोई बात नहीं, सीधा जेल में डालो इनको। यार इन्होंने मजाक बनाया हुआ है यार, हमारे इतनी बहनें हैं जो रोती हैं बेचारी, इतनी बेटियां हैं जो बेचारी रोती हैं, और उनमें कई दफ़ा इनका भी कसूर होता है, लेकिन अक्सरियत में बहुत ये जो जुल्म है, देखें भाई हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के हम बेटियां बेटे हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, यार ये मुसलमानों का काम नहीं, ठीक है। तो खान साहब, मेरा काम था ये मैसेज आप तक पहुँचाना, और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा काम था ये मैसेज आप सबके साथ शेयर करना। बराए मेहरबानी अगर आपको मेरा ये मैसेज पसंद आए तो
تو پلیز اس کو اتنا زیادہ شیئر کیجئے کہ واقعی خان صاحب تک، ہمارے پرائم منسٹر تک، ہماری موجودہ گورنمنٹ تک یہ پہنچ جائے۔ اپنا سب خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔